नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होटल की अनाज मंडी में नगर परिषद होटल की नवनियुक्त चेयरपर्सन इंद्रेश और नवनिर्वाचित वाइस चेयरपर्सन मनीषा के स्वागत के लिए एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं नगर परिषद के पिछले कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठाई गई। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरपर्सन इंद्रेश के पति शीशपाल कड्डन ने लोगों को संबोधित करते हुए नगर परिषद होटल के पूर्व के कार्यकाल में विकास के लिए आए हुए 35 से 40 करोड़ रुपए के हुए दुरुपयोग की जांच कराने की केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष मांग रखी, जिस पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर जनता उसकी जांच करवाना चाहती है तो निश्चित तौर पर सरकार इसकी जांच करवाएगी और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। होटल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। मंत्री जी, सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या किया गया? आज नगर परिषद में तो इंद्रेश जी चेयरमैन चुनी गई और मनीषा जी वाइस चेयरमैन चुनी गई, उनके अभिनंदन के लिए यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया। आप सबने अपने आंखों से देखा लोगों में किस तरह जोश और उत्साह है। इस तरह की गर्मी में जब आदमी पसीने से तर बतर होता है, जब हजारों की संख्या में लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए, एक भी आदमी उठा नहीं, ये इन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति और मोदी जी मनोरजे के प्रति जो आज भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उसका कारण है कि मोदी जी ने कहा है देश प्रथम और हमारे जो विरोधी दल है वो कहते हैं परिवार। देशभक्ति का जो जज्बा आदरणीय मोदी जी ने 8 सालों में जो देश के 135 करोड़ लोगों में जगाया है, ये उसका रुतबा है, उसका जोश है। आज हर भारतवासी कह रहा है और मोदी जी यही चाहते हैं, जब हर भारतवासी के मन देश प्रथम भावना आ जाएगी तो हिंदुस्तान को कोई भी ताकत दुनिया का नंबर एक देश बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकती। और वो काम मोदी जी ने करके दिखा दिया है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे भक्तों का भरोसा भगवान में होता है ना, ऐसे आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का भरोसा मोदी जी पर कायम ही नहीं है, लगातार बढ़ता है। मंत्री जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी दूरी इस कार्यक्रम से रही, क्या कहोगे? ऐसा है, वो किसी काम से बाहर है। विधायक भी हमारी पार्टी का है, हमारी व्यक्ति है, हमारा छोटा भाई है, आज किसी कारण से वो कहीं बाहर है, आ नहीं पाए, लेकिन अगले कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। संयुक्त रूप से है या भाजपा पार्टी का अपना ही है? ये देखिए, ये कार्यक्रम नगर परिषद की तरफ से जो रखा गया है, जो निर्वाचित यहाँ चेयरमैन है नगर परिषद में, पैसा नहीं है, विकास होगा कैसे? हरेंद्र जी है, विकास होगा कैसे अगर नगर परिषद में पैसा ही नहीं? आपने देखा होगा पीछे भी 35-40 करोड़ रुपया दिया था नगर परिषद के, लेकिन उसका आपके माध्यम से बताया कि दुर्योग हुआ तो क्या उसकी जांच होगी? ऐसा है ना, आप अगर लोग चाहेंगे उसकी जांच होनी चाहिए तो सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। आप बताइए कहाँ गड़बड़ हुई है, तो निश्चित तौर पर जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं। मंत्री जी, आज क्या जी के मनोहर जी की सरकार में दोषी व्यक्ति बच नहीं सकता। मंत्री जी, जिले में आज 2 रैलियां हैं, दुष्यंत चौटाला की और एक आपकी, क्या दोनों अलग अलग पार्टी अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही है? दोनों एक ही रैली है, अब एक समय में हरियाणा में कई कई रैलियां हो रही होंगी, लेकिन कार्यकर्ता तो आज के कार्यक्रम में बटे हुए हैं। कोई नहीं बटा हुआ, एक मिलकर सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेता एक एक कार्यकर्ता ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।